डॉक्टर कॉटनस के 80 साल पूरे होने पर आज लुधियाना के एक निजी अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चीन के सांस्कृतिक मंत्री काउंसलर वांग जिनमिंग मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर एक्यूपंक्चर कैंप का उद्घाटन किया गया। इस मौके आयोजकों का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। एक्यूपंक्चर अस्पताल आना मेरे वास्ते बड़ी सौभाग्य घड़ी है। इस इलाज विधि लोगों तक लेके जाना और 48 साल पहला ज्ञान ढींगरा जी का इस धरती पर आ के ये बूटा लाना ये अपने आप बड़ी वड्डी प्राप्ति सी और मैं चश्मदीद गवाह उस मौके का। अज जो इंद्रजीत सिंह ढींगरा डॉक्टर साहब इस काम हाथ लैके अगे जा रहे हैं तो बड़ा ही चंगा लगे, खास करके चाइनीज़ हाई कमीशन का मुखी इतने जो हाजिर से MLA हाजिर सन पंजाब के चमन लाल बग्गा जी, दलजीत सिंह गरेवाल जी और बीबा राजेंद्रपाल कौर शीना, तो दिल किया आखा कि इस तरह सहयोग ना ही असं अगे वधीए ताकि आम आदमी की जी एक फिजिकल कंडीशन है सुधर सके। इस नवी थेरेपी को प्रवानगी हर पद्धर से मिले, लोगों तक सुनेहा लेके जाइए। बहुत बहुत मेहरबानी। 院长做了这么多的48年来一直坚持做了这么多工作。 Thanks for Dr. Inderjit Singh's hard work and efforts for these 48 years. आज डॉक्टर कॉटनस दे 80 साल पहले जिहड़ी मानवता दी सेवा लई हिंद चीन दोस्ती दे प्रतीक दे रूप दे जिहड़े डॉक्टर द्वारका नाथ कॉटनस जाने जांदे हन, उहनां दे 80 साल पूरे होए जिंदगी दे। उहनां ने एक नवां मिशन दित्ता सी। अज लोड है कि जदों असी तीसरे विश्व युद्ध के उत्ते खड़े हाँ, बीमारियां तेजी ना बढ़ रही हैं, उन्हों रोकन विच एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा योगदान साबित हो रहा है। तो असी चाहते हैं पंजाब सरकार ते इस एक्यूपंक्चर चिकित्सा नूं पूरी तरह मानता देवे ते उसनों विकास लई भारत के विकास के विच चाइना सरकार वालों असी रिक्वेस्ट है, उन्होंने सानूं विश्वास भी दिलाया है कि एक्यूपंक्चर नूं पूरी तरह चंगे तरीके नाल भारत दे विच विकास करन लई हर तरह की संभव देवांगे। अज दा जिहड़ा समागम है असीं इत्थे दसना चाहांगे चाइनी एम्बैसी वालों, क्योंकि इहदे विच एक्यूपंक्चर बहुत बरीक निगल इस्तेमाल हुंदी है। उन्होंने सानूं हॉस्पिटल नूं फ्री ऑफ कॉस्ट 20,000 निगल डोनेट कीती है। असीं अज मीडिया राहीं मैसेज देना चाहते हैं कि जिन्ना पाई। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट।